मंकी गीता। मंकी गीता महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत भीष्म युधिष्ठिर संवाद के क्रम में प्राप्त होती है। इसमें मंकी नामक एक प्राचीन मुनि का रोचक एवं शिक्षाप्रद आख्यान वर्णित है, जिसके माध्यम से कामना, विशेषकर धन की तृष्णा को ही सभी दुखों का मूल तथा कामना के त्याग को ही सुख का हेतु बताया गया है। विषय के प्रतिपादन में दृष्टांत के अतिरिक्त बहुत से सबल तर्क भी उपस्थित किए गए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि कोई मनुष्य धन की तृष्णा से ग्रस्त होकर तरह तरह के उद्योग करने पर भी धन न पा सके तो वह क्या करे जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो सके? भीष्म जी ने कहा, भारत, सब में समता का भाव, व्यर्थ परिश्रम का अभाव, सत्य भाषण, संसार से वैराग्य और कर्म आसक्ति का अभाव, ये पांचों जिस मनुष्य में होते हैं वह सुखी होता है। ज्ञानवृद्ध पुरुष इन्हीं पांच वस्तुओं को शांति का कारण बताते हैं। यही स्वर्ग है, यही धर्म है और यही परम उत्तम सुख माना गया है। युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। मंकी नामक मुनि ने भोगों से विरक्त होकर जो उद्गार प्रकट किया था वही इस इतिहास में वर्णित है, उसे बताता हूं, सुनो। मंकी धन के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते थे, परंतु हर बार उनका प्रयत्न व्यर्थ हो जाता था। अंत में जब बहुत थोड़ा धन शेष रह गया तो उसे देकर उन्होंने दो नए बछड़े खरीदे। एक दिन उन दोनों बछड़ों को परस्पर जोड़कर वे हल चलाने की शिक्षा देने के लिए ले जा रहे थे। जब वे दोनों बछड़े गांव से बाहर निकले तो बैठे हुए एक ऊंट को बीच में करके सहसा दौड़ पड़े। जब वे उसकी गर्दन के पास पहुंचे तो ऊंट के लिए यह असह्य हो उठा। वह रोष में भरकर खड़ा हो गया और उन दोनों बछड़ों को ऊपर लटकाए बड़े जोर से भागने लगा। बलपूर्वक अपहरण करने वाले उस ऊंट के द्वारा उन दोनों बछड़ों को अपहृत होते और मरते देख मंकी ने इस प्रकार कहा, मनुष्य कैसा ही चतुर क्यों न हो, जो उसके भाग्य में नहीं है उस धन को वह श्रद्धापूर्वक भली भांति प्रयत्न करके भी नहीं पा सकता। पहले मैंने जो प्रयत्न किया था उसमें अनेक प्रकार के अनर्थ खड़े हो गए थे। उन अनर्थों से युक्त होने पर भी मैं धनोपार्जन की ही चेष्टा में लगा रहा, परंतु देखो आज इन बछड़ों की संगति से मुझ पर कैसा दैवी उपद्रव आ गया। यह ऊंट मेरे बछड़ों को उछाल उछाल कर विषम मार्ग से ही जा रहा है। देव संयोग से इन्हें गर्दन पर उठाकर बुरे मार्ग से ही दौड़ रहा है। इस ऊंट के गले में मेरे दोनों प्यारे बछड़े दो मणियों के समान लटक रहे हैं। यह केवल देव की ही लीला है, हठपूर्वक किए हुए पुरुषार्थ से क्या होता है? यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है तो वहां भी खोज करने पर देव का ही सहयोग सिद्ध होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को धन आदि की ओर से वैराग्य का ही आश्रय लेना चाहिए। धन उपार्जन की चेष्टा से निराश होकर जो विरक्त हो गया है वह सुख की नींद सोता है। अहो, शुकदेव मुनि ने जनक के राजमहल से विशाल वन की ओर जाते समय सब ओर से बंधन मुक्त हो क्या ही अच्छा कहा था। जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है तथा जो इन सबका केवल त्याग कर देता है, इन दोनों के कार्यों में समस्त कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा उनका त्याग ही श्रेष्ठ है। कोई भी पहले कभी धन आदि के लिए होने वाली संपूर्ण प्रवृत्तियों का अंत नहीं पा सकता है। शरीर और जीवन के प्रति मूर्ख मनुष्य की ही तृष्णा बढ़ती है। ओ कामनाओं के दास मन, तू सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो जा और वैराग्य पूर्वक शांति धारण कर। तू धन की चेष्टा करके बारंबार ठगा गया है तो भी उसकी ओर से वैराग्य नहीं होता है। ओ धन की कामना वाले मन, यदि तुझे मेरा विनाश नहीं करना है, यदि तू इसी प्रकार मेरे साथ आनंद पूर्वक रहना चाहता है तो मुझे व्यर्थ लोभ में न फंसा। तूने बार बार द्रव्य का संचय किया और वह बारंबार नष्ट होता चला गया। धन की इच्छा रखने वाले मूड
क्या कभी तू धन की इस तृष्णा और चेष्टा का त्याग भी करेगा? अहो, यह मेरी कैसी नादानी है जो मैं तेरे हाथ का खिलौना बना हुआ हूं। यदि ऐसी बात न होती तो क्या कोई समझदार पुरुष कभी दूसरों की दासता स्वीकार कर सकता है? पूर्व काल के तथा पीछे के मनुष्य भी कभी कामनाओं का अंत नहीं पा सके हैं, अतः मैं समस्त कर्मों का आयोजन त्याग कर सावधान हो गया हूं और मैं पूर्णतः जग गया हूं। काम, निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है, अतएव अत्यंत सुदृढ़ है। यही कारण है कि सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। काम, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं और जो कुछ तुझे प्रिय लगता है उससे भी परिचित हूं। चिरकाल से तेरा प्रिय करने की चेष्टा करता चला आ रहा हूं, परंतु कभी मेरे मन में सुख का अनुभव नहीं हुआ। काम, मैं तेरी जड़ को जानता हूं। निश्चय ही तू संकल्प से उत्पन्न होता है। अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूंगा जिससे तू समूल नष्ट हो जाएगा। धन की इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं है। यदि धन मिल भी जाए तो उसकी रक्षा आदि के लिए बड़ी भारी चिंता बढ़ जाती है, और यदि एक बार मिलकर वह नष्ट हो जाए तब तो मृत्यु के समान ही भयंकर कष्ट होता है, और उद्योग करने पर भी धन मिलेगा या नहीं यह निश्चय नहीं होता। शरीर को निछावर कर देने पर भी मनुष्य जब धन नहीं पाता है तो उसके लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है? यदि धन की उपलब्धि हो भी जाए तो उतने से ही वह संतुष्ट नहीं होता है, अपितु अधिक धन की तलाश करने लग जाता है। काम, स्वादिष्ट गंगाजल के समान यह धन तृष्णा की ही वृद्धि करने वाला है। मैं अच्छी तरह जान गया हूं कि यह तृष्णा की वृद्धि मेरे विनाश का कारण है, अतः तू मेरा पिंड छोड़ दे। मेरे इस शरीर का आश्रय लेकर जो पांचों भूतों का समुदाय स्थित है वह इसमें से अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक चला जाए या इसमें रहे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। पंचभूतगण, अहंकार आदि के साथ तुम सब लोग काम और लोभ के पीछे लगे रहने वाले हो, अतः तुम पर यहां मेरा रत्ती भर भी स्नेह नहीं है। इसलिए मैं समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल अब सतत्व गुण का आश्रय ले रहा हूं। मैं अपने शरीर में मन के अंदर संपूर्ण भूतों को देखता हुआ बुद्धि को योग में, एकाग्र चित्त को श्रवण मनन आदि साधनों में, और मन को परम ब्रह्म परमात्मा में लगाकर रोग शोक से रहित एवं सुखी हो संपूर्ण लोकों में अनासक्त भाव से विचरूंगा, जिससे तू फिर मुझे इस प्रकार दुखों में न डाल सकेगा। काम, तृष्णा, शोक और परिश्रम, इनका उत्पत्ति स्थान सदा तू ही है। जब तक तू मुझे प्रेरित करके इधर उधर भटकाता रहेगा तब तक मेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। मैं तो समझता हूं कि धन का नाश होने पर जो अत्यंत दुख होता है वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि जो धन से वंचित हो जाता है उसे अपने भाई बंधु और मित्र भी अपमानित करने लगते हैं। दरिद्र को सहस्त्र सहस्त्र तिरस्कार सहने पड़ते हैं, अतः निर्धन अवस्था में बहुत से कष्टदायक दोष हैं, और धन में जो सुख का लेस प्रतीत होता है वह भी दुखों से ही संपादित होता है। जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है उसे उसका धन लूटने के लिए लुटेरे मार डालते हैं, अथवा उसे तरह तरह की पीड़ाएं देकर सताते और सदा उद्वेग में डाले रहते हैं। धन लोलुपता दुख का कारण है, यह बात बहुत देर के बाद मेरी समझ में आई है। काम, तू जिस जिस का आश्रय लेता है उसी उसी के पीछे पड़ जाता है। तू तत्व ज्ञान से रहित और बालक के समान मूढ़ है, तुझे संतोष देना कठिन है। आग के समान तेरा पेट भरना असंभव है। तू यह नहीं जानता कि कौन सी वस्तु सुलभ है और कौन सी दुर्लभ। काम, पाताल के समान तुझे भरना कठिन है। तू मुझे दुखों में फंसाना चाहता है, किंतु अब तू फिर मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अकस्मात धन का नाश हो जाने से वैराग्य को प्राप्त होकर मुझे परम सुख मिल गया है। अब मैं भोगों का चिंतन नहीं करूंगा। पहले मैं बड़े बड़े क्लेश सहता था, परंतु ऐसा बुद्धिहीन हो गया था कि धन की कामना में कष्ट है इस बात को समझ ही नहीं पाता था।
परंतु अब धन का नाश होने से उससे वंचित होकर मैं संपूर्ण अंगों में क्लेश और चिंताओं से मुक्त होकर सुख से सोता हूं। काम, मैं अपनी संपूर्ण मनोवृत्तियों को दूर हटाकर तेरा परित्याग कर रहा हूं। अब तो फिर मेरे साथ न तो रह सकेगा और न मौज ही कर सकेगा। अब जो लोग मुझ पर आक्षेप या मेरा तिरस्कार करेंगे, उनके उस बर्ताव को मैं चुपचाप सह लूंगा। जो लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे या कष्ट देंगे, उनके साथ भी मैं बदले में वैसा बर्ताव नहीं करूंगा। द्वेष के योग्य पुरुष का भी यदि साथ हो जाए और वह मुझे अप्रिय वचन कहने लगे, तो मैं उस पर ध्यान न देकर उससे अप्रिय वचन नहीं बोलूंगा। मैं सदा संतुष्ट एवं स्वस्थ इंद्रियों से संपन्न रहकर भाग्यवश जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करता रहूंगा। परंतु तुझे कभी सफल न होने दूंगा, क्योंकि तू मेरा शत्रु है। तू यह अच्छी तरह समझ ले कि मुझे वैराग्य, सुख, तृप्ति, शांति, सत्य, दम, क्षमा और समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव, ये सभी सद्गुण प्राप्त हो गए हैं। अतः काम, लोभ, तृष्णा और कृपणता को चाहिए कि वे मोक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले मुझ साधक को छोड़कर चले जाएं। अब मैं सतत्व गुण में स्थित हो गया हूं। इस समय काम और लोभ का त्याग करके मैं प्रत्यक्ष ही सुखी हो गया हूं। अतः अजितेंद्रिय पुरुष की भांति अब लोभ में फंसकर दुख नहीं उठाऊंगा। मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ देता है, उस उसकी ओर से सुखी हो जाता है। कामना के वशीभूत होकर तो वह सर्वदा दुख ही पाता है। मनुष्य काम से संबंध रखने वाला जो कुछ भी रजोगुण हो उसे दूर कर दे। दुख, निर्लज्जता और असंतोष ये काम और क्रोध से ही उत्पन्न होने वाले हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में लोग शीतल जल वाले सरोवर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार अब मैं परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया हूं। अतः शांत हूं, सब ओर से निर्वाण को प्राप्त हो गया हूं। अब मुझे केवल सुख ही सुख मिल रहा है। इस लोक में जो विषयों का सुख है तथा परलोक में जो दिव्य एवं महान सुख है, ये दोनों प्रकार के सुख तृष्णा के क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और ममता ये देहधारियों के साथ शत्रु हैं। इनमें सातवां कामरूप शत्रु सबसे प्रबल है। उन सबके साथ इस महान शत्रु काम का नाश करके मैं अविनाशी ब्रह्मपुर में स्थित हो राजा के समान सुखी होऊंगा। राजन, इसी बुद्धि का आश्रय लेकर मंकी धन और भोगों से विरक्त हो गई और समस्त कामनाओं का परित्याग करके उन्होंने परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। बछड़ों के नाश को निमित्त बनाकर ही मंकी अमृत तत्व को प्राप्त हो गए। उन्होंने काम की जड़ काट डाली, इसलिए महान सुख प्राप्त कर लिया।